यस चैप्टर नंबर 10 सेगमेंट्स एट बनारस। ठीक है, चैप्टर है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध ने कहां कहां सेगमेंट्स यानी उद्देश्य उद्देश्य दिए और कहां कहां उनके प्रवचनों को फॉलो लोग कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड गौतम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स एंड 4 इयर्स लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 इयर्स एज बीफिटेड रॉयल्टी। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हियरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन देन एन एज्ड मैन देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉम बेगिंग फॉर आर्म्स। दीज साइट्स so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। Gautam Buddha ने अपना जीवन स्टार्ट किया और अपना मतलब जो भी उनकी लाइफ में हुआ उसके बारे में चैप्टर है। गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम के नाम से अपना जीवन स्टार्ट किया और जब वो 12 साल के थे तो उन्हें भेज दिया गया। कहां पे कहां भेज दिया गया? सेक्रेट स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाई करने, मतलब हिंदू लोगों के जो ग्रंथ हैं या जो महाकाव्य हैं उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ने के लिए भेज दिया गया और 12 साल की उम्र में वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ, 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और 25 साल की उम्र तक ही वो राजसी ढंग से जिए। बी फिटेड रॉयल्टी मींस राजकाल में जो भी काम होते हैं राजा के जैसे उन्होंने वो जिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उन्हें लगा कि यार अब मुझे दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो उन्हें अंदर से यार उनकी जो फीलिंग्स थी उनके द्वारा उन्हें एहसास हुआ कि अब मैं निकलूं घर से बाहर और मैं लोगों से जाके मिलूं, उनकी समस्याएं सुनूं। ठीक है, तो जब वो घर से बाहर निकले एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में, तो उन्हें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मिला उन्हें एक कौन मिला नवीन, कौन मिला, कौन मिला सबसे पहले, किससे मिले वो जाके? व्हाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, सबसे पहले बैठो, सबसे पहले मिले बीमार व्यक्ति से। ठीक है, जो व्यक्ति बीमार था उससे मिले, उसके बारे में जाना, उसके हालचाल पूछे। उसके बाद मिले एक एज्ड मैन से यानी कि बूढ़े व्यक्ति से, किससे मिले, बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद मिले एक भिखारी से, किससे मिले, भिखारी से। और जो भी उन्होंने उनके दुख अनुभव किए, किसने किसने अनुभव किए, गौतम बुद्ध ने जो भी दुख अनुभव किए उन सबको साक्षी मान के उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि अब मैं क्या करूंगा, अपना जीवन इन लोगों के लिए त्याग दूंगा। इसके लिए त्याग दूंगा। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightenment after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha. और जब वो घर से बाहर निकले तो क्या हुआ कि वो 7 साल के लिए और 7 इयर्स जब वो घर से बाहर का उन्होंने सोचा करने का, तो उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके अपना स्थान बनाया और वहां जाके बैठे। कहाँ बनाया था? बोधि ट्री। बोधि ट्री, क्या नाम दिया उस पेड़ को? बोधि ट्री, क्योंकि वहां बैठे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जब तक ज्ञान प्राप्त उन्हें नहीं हुआ तब तक वहां से हटे नहीं। और इसी बीच में उन्होंने क्या नाम दिया पेड़ को? बोधि ट्री। का मतलब है ज्ञान का वृक्ष। क्या मतलब है? ज्ञान का वृक्ष उन्होंने नाम दिया और उसके बाद उनका ही नाम बड़ा, क्या नाम बड़ा? बुद्ध। इससे पहले क्या थे वो? सिद्धार्थ गौतम। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जब उनको अंडरस्टैंडिंग हुई तो उनका नाम क्या बड़ा फिर? बुद्ध। द बुद्ध प्रीच्ड फर्स्ट सर्मन एट
कैपिटल सिटी ऑफ बनारस, ये चैप्टर का टाइटल जो है सेवंस एट बनारस। अब वो बात यहाँ आती है कि उन्होंने अपना पहला सेवन यानी उपदेश प्रवचन कहाँ दिया, बनारस में दिया। Most holy of the dipping places on the river Ganges, that sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one indescribable kind of suffering. और गंगा के किनारे बनारस में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और इस उपदेश को लोग आज भी याद रखते हैं, प्रिजर्व करके रखा गया है लोगों के दिमाग में, आज भी फिट है ये उपदेश कि बुद्ध ने सबसे पहला प्रवचन अपना कौन सा दिया था और उसको लोग फॉलो करते हैं। अब देखो ये स्टोरी चलती है दो पार्ट्स में, एक तो बुद्ध वाला पार्ट हो गया, बुद्ध कौन थे, कहां से आए, कितनी एज में शादी हुई, एक बेटा हुआ, राज्य ढंग से जीवन जिया, इतने साल बाद अपना घर त्यागा लोगों के लिए, एक बूढ़े आदमी से मिले, एक भिखारी से मिले, एक बीमार व्यक्ति से मिले, इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ के स्थान बनाया, स्थान बना के उसका नाम बोधिगृह रखा, और जब अंडरस्टैंडिंग्स आ गई तो वहां से मूव किया। अब क्या करते हैं देखो, अब ये स्टोरी चलती है सेकंड पार्ट में जहां उनसे लेडीज मिलती है, कौन मिलती है, कीसा गौतमी हैड ओनली हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड इन हर ग्रीफ, शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। अब कीसा गौतमी की स्टोरी जुड़ती है, कीसा गौतमी के पास एक ही बेटा था जो मर चुका था, क्या हो चुका था, जो मर चुका था। अब उस मरे हुए बच्चे को लेके कहां भाग रही है, अपने पड़ोसों के पास भाग रही है आस्किंग फॉर मेडिसिन, और लोग कह रहे हैं सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। अब लोग कह रहे हैं ये बेटा तो मर गया इसका, अब ये अपना सेंस खो चुकी है, जो होती है ना माँ के, मतलब माँ अक्सर ये कहते रहती पड़ जाती है कि देखो मेरे बेटे क्या हो गया, उठाओ उसको उठाओ, तो उसी तरह की फीलिंग्स वहां बता रही है ये हमें स्टोरी कि सेम सीन वहां चल रहा है कि बेटा तो मर गया लेकिन उसको फिर भी लेके भाग रही है कि देखो मेरे बेटे को दवा दो, उसका इलाज कराओ, लोग कह रहे ये मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। तो उससे एक व्यक्ति मिला, किससे मिला काजल, किससे मिला, कीसा गौतमी, राइट, कीसा गौतमी से एक व्यक्ति मिला और उसने उसकी रिक्वेस्ट को क्या किया, सुना और उसका रिप्लाई किया कि देखो मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता लेकिन मैं जानता हूँ फिजिशियन को, फिजिशियन मीन डॉक्टर को मैं जानता हूँ और वो तुम्हारी मदद करेगा, है ना। एंड द गर्ल सेड प्लीज टेल मी, प्रे टेल मी सर हु इज इट, एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्यमुनि बुद्ध। तो उस व्यक्ति ने जब उसे प्रे कर कि हाँ मुझे बताइए आप कौन है, तो उसने क्या किया, उसने एक नाम बताया, क्या नाम बताया, शाक्यमुनि बुद्ध, कि उनके पास जाइए और वहां आपकी समस्या का समाधान होगा, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड ट्राइड, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost her child or husband or parents and friends. जब उसके पास वो गई, तो उन्होंने एक डिमांड करी कि ठीक है, I will help.